गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फिट इन फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर फ्रेंड्स, इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 12.1। आई होप यू हैव नो डाउट इन दैट एक्सरसाइज। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 12.2। इन दिस एक्सरसाइज एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसे दिया हुआ है 0.11 है या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल जो होता है रिमूव करना होता है, डालना होता है। ये 85 हो जाएगा। अब बाई इसमें अब काउंट करें कितना टोटल ये डिजिट दिया है, उतना 10 की पावर लिख देंगे। आई थिंक 11 जीरो है, 12 13, ये 13 हो गया। फिर इसी को क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 10 के पावर 13 पावर दिया है, इसको भी मेजर में जाएंगे। 85 × 10⁻³। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाता है तो माइनस में बदल जाता है। ओके, तो अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से एक के बाद पॉइंट बढ़ाना होता है। ओके, तो यहाँ 8.5 × 10⁻³, इसे माइनस 13 दिया है, जिसमें से एक कम कर दिया जाता है, कितना जगह -12 हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसी का एक थर्ड नंबर देख सकते हैं आप। फर्स्ट का थर्ड नंबर 602, इसके बाद 13 दिया हुआ है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हमने बताया है इसमें तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया है। सब एक में इसको बनाएंगे डायरेक्ट में 6.02। इन एक नंबर पर पॉइंट बढ़ा देते हैं 10⁻². अब ये काउंट कर लेते हैं कितना डिजिट पूरा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पूरा काउंट करेंगे तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो जिसमें पॉइंट नहीं दिया वो तो वेरी इजी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने में। जिसमें पॉइंट जो होता है तो उसको समझना पड़ेगा। ओके, और आज थिंक आप बना सकते हैं। ये आपका था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे 3.02 × 10⁻⁶। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था स्टैंडर्ड फॉर्म में था, उसको हम लोग जो दिया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे थे हम लोग। अब इसी नंबर को क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए कैसे होता है, सबसे पहले हम 3.02 हो गया, ये माइनस में दिया है, पावर के नीचे आ जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा प्लस। ओके, फिर अब इस पॉइंट को हटाना होगा आपको, इस पॉइंट को, तो 302 बाई हो जाएगा 10⁶ × 10⁻² हो जाएगा। कैसे, यहाँ पॉइंट को 2 दिया है, 10⁻² हो जाएगा। फिर इसको आगे बनाएंगे 302 बाई हो जाएगा 10⁸। अब क्या करेंगे हम लोग 302, अब इधर से 10⁸ काउंट करके हम लोग क्या करना होगा, पॉइंट बढ़ा देना होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8.0, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को बना सकते हैं। 3 भी क्वेश्चन वही दिया हुआ है इसमें, इसने जो क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है और 4 भी इसी तरह से दिया है। तो आई होप एक्सरसाइज 12.2 आप बना लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 13, मीन्स चैप्टर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज और डिक्रीज
देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज और डिक्रीज इन सच वे डेट द रेशियो एक्स पर वाई रिमेन कॉन्स्टेंट वेन एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन वी हैव एक्स वन बाई वाई वन इसक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू इसक्वल टू एक्स थ्री बाई वाई थ्री. इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक्स और वाई इस तरह से नंबर्स होते हैं, नहीं इस तरह से रेशियो में होते हैं, जिसमें एक एक्स का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, एक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो वाई की वैल्यू भी डिक्रीज करता है, और एक्स बाई वाई एक रिमेन कॉन्स्टेंट होता है. ओके, ये आपका होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन. क्या होता है, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज और डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज और इंक्रीज इन अ सच वे दैट एक्स वाई रिमेन कॉन्स्टेंट. इसमें क्या होता है, एक्स वाई रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब एक्स मल्टीप्लाई वाई रिमेन कॉन्स्टेंट होता है. वेन एक्स एंड वाई आर इन फर्स्ट प्रोपोर्शन देन, जब एक्स वाई इन फर्स्ट में होता है तो उस समय में क्या होता है आपका, एक्स वन इंटू वाई वन इक्वल टू एक्स टू इंटू वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री इंटू वाई थ्री शो ऑन. ओके, दोनों में क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक्स बाई वाई रीमन कॉन्स्टेंट होता है और एक्स इंटू वाई रीमन कॉन्स्टेंट होता है. तो एक्स बाई वाई जब रेशियो में है तो उस समय में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और एक्स मल्टीप्लाई वाई रीमन कॉन्स्टेंट होता है उस समय में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. ओके, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 13.1. और 13.1 हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours रुपीज 60, 8 hours रुपीज 100, 12 hours रुपीज 140, 24 hours रुपीज 180. चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. इसको चेक करना है कि यह है जो आवर्स और रुपीज तो दिया हुआ है वह है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट पार्किंग टाइम का है या नहीं है. ठीक है, हमको डायरेक्टली चेक करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसको चेक करना है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम जानते हैं कि x बाई वाई होता है, y1 बाई x1 बाई y2 होता है, x2 बाई y2 होता है, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं. तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि इसमें रुपीज जो है 60 बाई 4, उसके बाद आपका 100 बाई 8, 140 बाई 12 एंड 180 बाई 24. अभी तो क्या कर हम लोग कट कर देते हैं, तो ये कट करेंगे तो 51 में कट जाएगा. ओके, और इसको कट कर देंगे तो ये आपका नंबर में कट जाएगा, इसको भी हम कट कर देंगे. ये होगा आपका 15 बाई 1 हो जाएगा, 25 बाई 2 हो गया, 35 बाई 3 हो गया, 15 बाई 2 हो गया. इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वन बाई वाई वन, एक्स टू बाई वाई टू, एक्स थ्री बाई वाई थ्री, एक्स फोर बाई वाई फोर यहाँ पर क्या इक्वल नहीं है, यानी कि रिमेन कॉन्स्टेंट सबका अगर इक्वल आ जाता एक कोई तो ये क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता, यहाँ पर सभी क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये नहीं होगा. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इच रेशियो इज नॉट सेम देयरफॉर द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट जो है आपका टाइमिंग जो है वह और प्राइस जो है वह दोनों क्या है इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2. अ मिक्सर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 parts ऑफ ए बेस. इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीडेड
टू बी एडेड। एक यहाँ पर टेबल दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, पार्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, पार्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, पार्ट्स ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स में दिया है वन, यहाँ पर एट है, उसके बाद ये फोर, उसके बाद सेवन, ट्वेल्व, सेवन, सेवन, ट्वेल्व, ट्वेंटी, ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस डेट नीड टू बी एडेड। तो यहाँ पे वन पार्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट दिया है, तो उसके लिए बेस पार्ट जो है आपका एट भी है, उससे फोर रिक्वायरमेंट होगा तो इसका बेस क्या होगा, सेवन होगा तो क्या होगा, ये फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर को, और एक्स होता है तो ये आपको वाई होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्स हुआ तो ये वाई हुआ, ये एक्स वन हुआ तो ये वाई वन हुआ। ठीक है, यहाँ पर डॉट आउट कर देते हैं, ये वाई वन हो गया, ये वाई टू हो गया, वाई थ्री हो गया, और वाई फोर हो गया। ठीक है, इसमें y का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 by 8 equal to 4 by y। तो since this is a direct proportion, ये direct proportion में है, तो इस तरह से इसको लिखने का उसको फाइंड करना है, by cross multiply करेंगे, y all multiply 1 is equal to 4 into 8, तो y all is equal to कितना आएगा 32, तो आप यहाँ पर 32 फिल कर देंगे, ये फर्स्ट बन गया। फिर आपको ये सेकंड बनाना है, तो 1 by 8 equal to 7 by y2, इसको भी by cross multiply कर दिया जाएगा, y2 equal to 56, यहाँ पर 56 हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपको बनाना है, तो आप है क्या कर सकते हैं, 1 by 8 equal to 12 by y3 कर लेंगे, उसमें y3 निकल सकता है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट बनाएंगे 1 by 8 equal to 20 by y4 करेंगे, तो इस तरह से आपका y4 भी निकल जाएगा। ओके, तो ये इसलिए क्वेश्चन में आपको यही चीज करना था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन क्वेश्चन टू अबव, इन टू वाले क्वेश्चन में ही बता रहा है, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, द हाउ मच द रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे 3 नंबर का कि द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, द गिवन information, the given information in the form of table, in the form of a table, in the form of a table as follows, यानी कि जो information दिया है question में उसके अनुसार से हम table को तैयार करते हैं। ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो एक शीट में क्या लिख देंगे आप, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका पार्ट्स ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ बेस। ओके, तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट आपको दिया हुआ है वन, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दिया कितना है आपको वन दिया हुआ है, तो 75 ml इसका बेस हो गया, 75 ml इसका बेस हो जाएगा। ओके, फिर दे रहा है कि अगर हाउ मच रेड पिगमेंट, हाउ मच नहीं दिया, रेड पिगमेंट कितना होगा इसका हम लोग एक्स कर लेंगे, नहीं पता है तो एक्स कर लेंगे, और इसका 1800 क्या है बेस दिया हुआ है,
1800 आपका बेस हो जाएगा। ये एमएल भी दिया हुआ है, यहाँ पर एमएल हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको एक्स के वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो एक्स के वैल्यू फाइंड करना है तो आप ये देख रहे हैं कि सिंस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट पिगमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ बेस वैल्यू क्या है, ये दोनों आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो वन मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 1800 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1800 माइनस हो जाएगा 75। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे 75 से, इसको हम लोग क्या करेंगे कट कर देंगे, तो 75 से कट करेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। Therefore x is equal to 24, यानी कि पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल्स कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हेंस में लिख देंगे, हेंस पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू 24 आंसर, ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप नो डाउट एंड समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मैं सॉरी, ए मशीन इज ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स इट इन 40 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री जो है वो ऐसे 40 बॉटल्स को 6 आवर में फिल करती है, तो हाउ मेनी बॉटल्स विल बी फिल्स इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितने बॉटल को फिल्स कर सकता है। तो इसका भी डाटा हम ऐसे ही लिख देंगे, द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज फॉलोस, और वन साइड में टेबल बनाएंगे, बॉटल लिख देंगे, दूसरे साइड में आवर्स हो जाएगा। बॉटल्स में क्या हो जाएगा 840 बॉटल्स, तो आवर्स में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद कितने बॉटल्स को फिल करेंगे, तो उसको हम लोग एक्स मान लेंगे एक्स, और कितने आवर्स में 5 आवर्स में, वहां पर 5 हो जाएगा। अब बाई क्रॉस करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अ फोटोग्राफ्स ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, तो व्हाट वुड बी द इनलार्ज्ड लेंथ, ओके। एक फोटोग्राफ बैक्टीरिया जो दिखा रहा है 50 टाइम्स दिखा रहा है अटेंड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इन द डायग्राम, ओके। तो इसका एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बैक्टीरिया क्या होगा ये फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर एंड इनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी y सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद लिख देंगे द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज फॉलोस, ओके। उसके बाद एक साइड में हम टेबल बना देंगे, एक टेबल में लिख देंगे लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर, और दूसरा लिख देंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स द फोटोग्राफ्स ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो होगा आपका 5 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसका इन लार्ज कितना है 50,000 में दिया हुआ है। फिर आपको इसमें एक्चुअल लेंथ निकालना है, एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, आप इन लार्ज में 1 हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट उसी में दिया हुआ है कि 20,000 दिया हुआ है फोटोग्राफ्स के से, तो इसका इनलार्ज लेंथ क्या होगा आपका y हो जाएगा, ठीक है। और इसी को आपको सॉल्व करना होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या हो जाएगा, सीधा हम टेबल बनाते हैं लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर। उसके बाद आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फोटोग्राफ्स इन लार्ज
नंबर ऑफ बैक्टीरिया सब क्या है आपका 5 है, तो फोटोग्राफ इसको दिखा रहा है आपका 15,000 दिखाई दे रहा है। जब इसी को हम लोग एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया निकालना है, इसमें हम x मान लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ओके 1 जब होगा तो इसी को आपको सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई 15,000 इसको इक्वल टू 5 हो जाएगा, y का करेंगे तो x इक्वल टू 5 / 50,000 कट कर दिया जाएगा तो 1/10,000 हो जाएगा। इसमें जो चेंज करेंगे तो 10^-4 हो जाएगा। ओके तो 10^-4 क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बैक्टीरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके इससे सबको नेक्स्ट बनाना है, इनलार्ज निकालना है, तो इनलार्ज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका स्टेप 5,000 इनलार्ज बैक्टीरिया हो जाएगा, लेंथ बैक्टीरिया और फोटोग्राफ कितनी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और फोटोग्राफ्स को जो यहाँ पर 1 पुट किए हैं यहाँ पर आपका 20,000 हो जाएगा और 20,000 आपका पुट करके बनाएंगे तो अभी कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ओके तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको क्वेश्चन इसमें जितने भी दिया है 6, 7, 8, 9, 10 आपको सॉल्व करना है। ओके आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, 9 भी क्वेश्चन सेम है, तो आप इसमें का ऑल क्वेश्चन जो है आपको क्लास वर्क में कर लेना है। 13.1 का ऑल क्वेश्चन आप इसी रेशियो से बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सब बनेंगे, ऑल क्वेश्चन का आपको कंप्लीट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके इससे क्लास ओवर हुआ, डेट सर, हैव नाइस डे।